तो पिछली बार कुछ ऐसा हुआ था। तो भैया जी, जो भी आपने पहला सेट देखा हमारा, ये था हैमर कल का। भाई बड़ा अजीब लगता है बोलते हुए जिम में, पर इस बार आपके भाई ने पूरे तरीके से डिसाइड करके रखा था, मेंटली प्रिपेयर होके गए थे आपके भाई कि भाई इस बार करना है ब्लॉग। क्या करना है? ब्लॉग ब्लॉग करना है, मुझे ब्लॉग करना है, ब्लॉग करना है। और हाँ, अभी जो आपने इस ग्लास में जो पदार्थ देखा था वो था प्री वर्कआउट, जो लाल रंग का आपने देखा था। तो उसको आपके भाई तभी लेते हैं जब उन सीटी बज रही है, रुक जाइए जरा। तो उसको आपके भाई तभी लेते हैं जब उनको कोई मेजर मसल ट्रेन करनी होती है, जैसे कि चेस्ट हुआ या फिर लेग्स हुआ या फिर बैक हुआ। बाकी दिन आपके भाई पूरा मेंटली प्रिपेयर होकर जाते हैं। भैया दिन थोड़ा सा अच्छा है, दिन अच्छा इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ का मौसम अच्छा है, मौसम तो वही आग बगुला ही है, पर दिन अच्छा है क्योंकि आज हमें जो मसल ट्रेन करनी है वो है चेस्ट। मतलब समझ रहे हो ना, एक्साइटमेंट अंदर ही अंदर चुलबुली मचती है। तो भैया जो सबसे पहली एक्सरसाइज आपके भाई ने की थी वो थी फ्लैट बेंच डंबल प्रेसेस। अब इसको सिंपली आपके भाई करते किस तरीके से हैं, आपको जितना वेट लेना है वो याद रहे, अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग लेना है। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा हैवी जाएं, फॉर्म पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है ताकि आप अच्छे से उसको कर पाएं, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक्सरसाइज जो आपके भाई की पर्सनली फेवरेट है एक तरीके से, वो है चेस्ट प्रेस मशीन और वो है इंक्लाइन पे। तो इन भाई सही बताएं तो हमें कोई भी आप मशीन दे दीजिए, मशीन प्रेसेस, तो उसमें चाहे डिक्लाइन हो, चाहे इंक्लाइन हो, चाहे फ्लैट हो, तो तीनों पे ही हमारी एक तरीके से मशीन प्रेस हमारी एक फेवरेट ऐसी मशीन है, स्पेशली अगर चेस्ट के लिए हम बताएं तो ये हमारी फेवरेट है एक तरीके से अपर चेस्ट के लिए। Let them take advantage, I was wildin' on record, off record deals. Tell them talk to Colin for the quote. On record, off record, I still want the act, not the ghost. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. तीसरी जो एक्सरसाइज थी वो थी फ्लैट बेंच डंबल फ्लाइज। अब उसके लिए आप डंबल जाहिर सी बातें यूज कर सकते हैं, और इसका अल्टरनेटिव भी अब आगे आप देखेंगे जो कि है सीटेड मशीन फ्लाइज। तो दोनों ही आप में, दोनों में से कोई भी आप एक कर सकते हैं। भाई ने आपको दोनों चीज करके दिखाई है, मतलब देख रहे हैं आपकी भाई की मेहनत। Trying to make y'all comfortable. That's right. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me. इसके बाद जो एक्सरसाइज है वो है इंक्लाइन बेंच बारबेल प्रेस। ये वो एक्सरसाइज है जो कि आपके भाई की फेवरेट बिल्कुल नहीं है। मतलब कि अगर आप हमें एक तरीके से चाकू पीछे रख के अगर करवाएं कोई एक्सरसाइज तो उनमें से एक ये होगी। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बेकार है, इसलिए क्योंकि भाई शुरू में करो तो ठीक है, बट भाई हमारे जो पार्टनर हैं वो ऐसे हैं कि ऐसी एक्सरसाइजेस को बीच में ही करते हैं, और इस पे ज़्यादा से ज़्यादा जो फोकस हम लोग करते हैं इस टाइम पे अगर कर रहे हैं बीच में, वेट पे नहीं रेपिटिशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रेपिटिशन हम लोग करते हैं। Still count wins when they got it. On record, off record, I let them take advantage. I was wildin' on record, off record deals. Tell them talk to Colin for the quote. On record, off record, I still want the act, not the ghost. For the record, I'm done trying to make y'all come.
फिर इसके बाद जो एक्सरसाइज है वो तो भाई आपकी एक तरीके से चेस्ट के लिए एकदम वरदान चीज़ है, वो है आपकी केबल मशीन फ्लाई। और इसके बहुत सारे वेरिएशंस हैं और इसके लिए एक आपके भाई एकदम नई वीडियो बनाएंगे और अलग बनाएंगे। इसमें आप कई चीज़ों के साथ खेल सकते हैं, जिसमें से आपकी होती है एक तो ग्रिप, मतलब कि आप ओवर हैंड पकड़ सकते हैं, न्यूट्रल पकड़ सकते हैं, देन अंडर हैंड पकड़ सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपने हुक को किस लेवल पर फंसाते हैं तो उसके साथ भी आप खेल सकते हैं, जो कि आपके चेस्ट के अलग अलग पार्ट को ट्रेन करेगा। तो इसके लिए आपके भाई एकदम बढ़िया करके एक नई वीडियो बनाएंगे। यहाँ कुछ टिप्स हम जो देना चाहेंगे वो ये है कि आपके भाई का जो चेस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है पिछले कुछ महीनों में। तो उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि आपके भाई ने एक तो डेडिकेटेड बल्क किया था, जो कि आपने देखा होगा हमारा, जिसमें काफ़ी ज़्यादा उन्होंने मसल साइज भी गेन किया था, साथ ही साथ फैट भी गेन किया था। तो अब फैट परसेंटेज कम किया जा रहा है, जो कि सही डायरेक्शन में जा रहा है। और दूसरी चीज़ ये हम ऐड करना चाहेंगे, पहली चीज़ तो ये होगी कि जाहिर सी बात है आपको थोड़ा कैलरी सरप्लस पे रहना पड़ेगा अगर आपको गेन करना है, अगर मसल मास स्पेशली है ना। तो दूसरी चीज़ ये कि आप अपने चेस्ट की शेप चेंज नहीं कर सकते, उसका साइज नहीं चेंज कर सकते, मतलब कि आप कितना गेन करेंगे, हो सकता है कि आप थोड़ा कम गेन करें या स्लो गेन करें, तो वो काफ़ी हद तक डिपेंड करता है कि आपके जेनेटिक्स कैसे हैं। कुछ चीज़ें भाई आपके हाथ में होती हैं, जैसे कि आपका वर्कआउट रूटीन आपके हाथ में, आपकी डाइट आपके हाथ में, आपकी ट्रेनिंग आपके हाथ में, आपके रिकवरी आपके हाथ में, कि आप कितना एक तरीके से सोते वगैरह या फिर रिकवरी पे फोकस कर रहे हैं, ये चीज़ आपके हाथ में है। बट कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके हाथ में नहीं है, जो कि आपके सिंपली जेनेटिक्स पे डिपेंड करते हैं, तो उनको नहीं आप हरा सकते हैं। बाकी चीज़ों पे आप काम कर सकते हैं, जो कि बहुत है आपके इम्प्रूवमेंट के लिए। बस आपको कंसिस्टेंट रहना है विद टाइम, आपको हार नहीं माननी, बस इतना ही था। और बाकी हाँ भाई एक बात और कहेंगे, इस वीडियो में हमने इतने फंबल मारे हैं, इतना जो है हमने हाँ इसमें वीडियो में हमने पूरा कचरा किया था कि बता नहीं सकते। बाकी हो सकता है कि भाई आपके दिमाग में ख्याल आया, अंकित भाई आप तो बोल रहे थे कि जिम में जाके बनाएंगे ब्लॉग, लेकिन हुआ क्या था, आपके भाई ने बनाया भी, लेकिन क्या रहता है ना उसमें बैकग्राउंड में इतना म्यूजिक चल रहा था तो आपके भाई इतना अच्छे से रिकॉर्ड कर नहीं पाए। रिकॉर्ड किया था बट वो नहीं रहता यार, पता चल जाता है कि आवाज़ आने वाली है नहीं, तो देखने वाले का मज़ा नहीं आएगा। और भाई उसके ही पैसे हैं कि अगर आपको देखने मज़ा आना है तो भाई काहे का मज़ा। तो बाकी हाँ अगली बार ट्राई करेंगे, जिम में भी ट्राई करेंगे, जिम में ट्राई इस बार भी किया था, पर आवाज़ अगली बार कोशिश की जाएगी कि बैकग्राउंड में अगर कम बज रही होगी तब रिकॉर्ड किया जाएगा अच्छे से। बाकी उम्मीद है कि यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और भाई इस वीडियो में हमने इतने फंबल मारे हैं ना भाई, हमें लगता है कि तभी जो है ना हम सामने अगर कुछ अनप्लान किया हो तब बोल लेंगे, लेकिन जब बात आती है कुछ स्क्रिप्टेड बोलने की या फिर कुछ सोच समझ के बोलने की कि हाँ ये चीज़ बोल। बहुत सारे वेरिएशन हैं और इसके लिए तो आपके भाई एकदम नई वीडियो बनाएंगे, अलग बनाएंगे, इसमें आप कई चीज़ों के साथ